हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एक टाइप दैट इज बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसमें यूजर्स डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम से इंटरैक्ट नहीं करता था। यूजर को जो भी काम करना होता था वो उसे एक कंप्लीट जॉब के फॉर्म में, पंच कार्ड में या किसी भी ऑफलाइन डिवाइस में प्रिपेयर करता था और उसे ऑपरेटर को देता था। यानी कंप्यूटर ऑपरेटर हर यूजर से उसके जॉब्स को लेकर उसका ग्रुप बनाता था। जो एक जैसे जॉब होते थे उनको एक बैच में कंबाइन किया जाता था और उस बैच को कंप्यूटर पर प्रोसेस करने के लिए भेजा जाता था। तो इस तरीके से यूजर को अपने जॉब्स को किसी ऑपरेटर को देना होता था, कंप्यूटर ऑपरेटर को देना होता था, जो उन जॉब्स को एक साथ ग्रुप करके कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट कराता था। अब अगर हम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस की बात करें तो नॉर्मली किसी जॉब को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा ये गेस करना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ क्या था, सेम टाइप के जॉब्स को एक सिंगल बैच में कर देने से ऑपरेटर के लिए जॉब सेटअप टाइम काफ़ी कम हो जाता था और वो एक जैसे जॉब क्यू में होते थे और उनका एग्जीक्यूशन फास्ट हो सकता था। इसके अलावा एक और एडवांटेज है, जैसे मल्टीपल यूजर्स अपना काम कर सकते थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी एक एक यूजर एक सिस्टम से इंटरैक्ट नहीं करता था, वो एक साथ इंटरैक्ट कर सकते थे बैच के फॉर्म में। इसके अलावा सीपीयू का आइडियल टाइम काफी कम होता था क्योंकि वो लगातार बैच में जॉब को प्रोसेस करता जाता था। साथ ही साथ लार्ज वर्क को रिपीटेडली काम कराने को में या मैनेज करने में यहाँ आसानी होती थी क्योंकि वो सारे जॉब्स एक बैच में एक ग्रुप में होते थे। लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो इसमें क्या था कि कंप्यूटर ऑपरेटर जो बैच क्रिएट करता था, कंप्यूटर ऑपरेटर को बैच सिस्टम की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए थी ताकि वो जॉब्स का एक सिमिलर टाइप के जॉब्स का एक बैच बना सके। इसके अलावा बैच सिस्टम को डिबग करना मुश्किल था, यानी कोई जॉब अगर स्टार्ट हो गया तो उसे बीच में रोका नहीं जा सकता था जब तक वो जॉब पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए। साथ ही साथ यूजर इंटरेक्शन की भी कमी थी क्योंकि जब जॉब एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता था उस बीच में यूजर वहाँ कोई भी इंटरेक्शन या कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता था। कई बार ये काफ़ी कॉस्टली भी होता था। इसके अलावा जॉब्स को काफ़ी वेट करना पड़ता था। अगर उस बैच का कोई जॉब फेल हो जाए तो अगर कोई जॉब फेल होता था तो पूरे के पूरे बैच को जॉब को करेक्ट करके वापस से प्रोसेस करना होता था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। इसके अलावा किसी भी डिजायर्ड प्रॉपर्टी प्रायोरिटी को सेट करना मुश्किल था, यानी हम किसी जॉब को पहले करा सकें ऐसा करना मुश्किल होता था यहाँ। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस थे। अगर इसके एग्जांपल हम देखें तो पेरोल सिस्टम, बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन प्रोसेस, डेली रिपोर्ट, बिलिंग सिस्टम, ये सब इसके एग्जाम्पल्स कहे जा सकते हैं जिसमें सेम टाइप के जॉब्स को एक साथ किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। सपोज कोई बैंक है वो एक साथ अपने कई कस्टमर के स्टेटमेंट्स निकालना चाहती है तो उसको हम एक जैसे ग्रुप में बांट सकते हैं, एक जैसा बैच बना सकते हैं और उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसी तरीके से पेरोल सिस्टम है, कई सारे एम्प्लॉइज के सैलरी स्लिप को अगर हमें निकालना है या ट्रांजैक्शन रिपोर्ट निकालना है, डेली बेसिस पे कोई रिपोर्ट निकालना है या बिलिंग करना है तो इसमें हम बैच क्रिएट कर सकते हैं। यानी एक जैसे ही ये जॉब है और इनको एक साथ प्रोसेस किया जा सकता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आज के वीडियो में अगर आपको बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।